हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे साथ बालकोनी भी सुधा में। ये देखिए आलू और ये मटर उबालने रख दिए हैं। आलू उबालने भी हमने रख दिए हैं। आज हम बनाएंगे रेसिपी समोसे की। ये है 1 किलो मैदा और आलू है हमारे 2 किलो। मैदा आप कोई भी लीजिए, खुली या पैकेट वाली, ये आपकी चॉइस है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो मैदा में 150 ग्राम ऑयल। चाहे आप मस्टर्ड डालिए या रिफाइंड डालिए या वनस्पति घी डालिए, कुछ भी डालिए। और ऊपर से डालेंगे हम इसमें अजवाइन और थोड़ा सा नमक। बस आटे में हमें ये ही इतना ही डालना है। और फिर एक अच्छा सा इसका डो तैयार करेंगे। जैसे पूरी का डो होता है वैसा ही हम इसका डो तैयार करेंगे। बहुत ही टाइट, थोड़ा सा पतला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट, मतलब ठीक होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें, ये देखिए 150 ग्राम ऑयल डाला। तो अभी मौसा जी ये रेसिपी, फ्रेंड्स मैं नहीं बना रही हूँ, हमारे मौसा जी बना रहे हैं। और वही इसमें जिस हमने कटोरी से छोटी सी से ऑयल नापा था उसी से पानी डाल लिया नाप के। और अब अच्छे से इसका डो तैयार करेंगे। ये देखिए घर के समोसों की तो बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका डो तैयार हो गया। इतना टाइट रखना है, ये जैसे पूरी बनाते हैं ना वैसे ही इसको रखना है। अब हम इधर इसमें इसकी आलू का मसाला बनाएंगे। डो को हम ऐसे ही खुला रखेंगे थोड़ी देर के लिए और इतने हम आलू का मसाला बनाएंगे। हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है, 2 बड़े जो स्पून होते हैं वो डाला है। और उसमें डाला है साबुत क्रश करके धनिया और जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब हम उसमें डालेंगे अदरक कटा हुआ और हरी मिर्च। ये देखिए ये हम इसमें डाल देंगे। आलू भी हमें मोटे मोटे ही फोड़ने हैं, ये नहीं कि बारीक कर देना है बहुत ज़्यादा। ये देखिए अच्छे से चला के हम इसको, अब हम इसमें मटर और आलू डाल देंगे। ये देखिए हमारा आलू का मसाला बन के तैयार है। और इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, सॉरी उसके लिए। ये देखिए कसूरी मेथी दिखा रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए अब हम यहाँ समोसे, ये देखिए छोटी छोटी लोई करके और उसको अच्छे से बेल के और उसमें इसके एक रोटी की तरह बेलना है उसको। उसमें से आधा आधा हिस्सा करना है। और ये देखिए यहाँ हमने तेल चढ़ा दिया है। ये देखिए हमारे समोसे भरे जाने लगे हैं। और ये देखिए इस तरीके से आधा आधा बीच में से काट के हम रख लेंगे पहले और फिर हम इसको इस तरीके से बेलेंगे। ये देखिए इसमें मसाला भरेंगे थोड़ा थोड़ा और पानी लगा के हम इसको बंद कर देंगे। एक कटोरी में हमें पानी जरूर रखना है अपने पास। ये देखिए धीरे धीरे इधर साइड में पानी लगाया और फिर इस हाथ को इस उंगली पे करके इधर से इसको फोल्ड कर देना है और फिर इसमें मसाला डाल के इसको पानी लगा के बंद कर देना है ताकि ये फूटे ना। ये देखिए इस तरीके से अब हम अपने सारे समोसे भर लेंगे, उसके बाद आपको फ्राई करना बताएंगे। ये देखिए इसके इससे पहले चटनी, धनिया है और मिर्ची है और टमाटो है। अभी इस वक्त हमारे पास यही है, हम इसको जिसकी चटनी बना लेंगे और उसमें थोड़ा सा अमचूर डाल देंगे। हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था फ्रेंड्स, तो हमने गैस बंद कर दिया है। तेज़ ऑयल में हमें इसे नहीं डालना है और ये मस्टर्ड ऑयल है हमारा, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा कटोरी में पानी लेके और नमक डाल के इसमें छींटा मारा है ताकि ये तेल फट जाए और थोड़ा सही रहे ताकि समोसे पीले पीले ना लगे। अब ये समोसे पता ही नहीं चलेंगे कि ये रिफाइंड में है या मस्टर्ड ऑयल में है। ये देखिए हमारे समोसे तैयार होने लगे हैं। ये एक समोसा मेरी बेटी ने बनाया था तो ये फूट गया है। ये देखिए समोसे उतरने लगे हैं गर्म गर्म और खाने में इतने टेस्टी थे फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी।
बाहर से भी बहुत ही अच्छे बने थे ये। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए 1 किलो मैदा में फ्रेंड्स 50 लगभग 51 या 2 के लगभग बने थे, और उसमें भी थोड़ी सी मैदा हमारी बच गई थी जिससे हमने नमक पारे बना लिए क्योंकि हमारा आलू का मसाला ख़त्म हो गया था। ये देखिए हमारे कान्हा जी की प्लेट लग के तैयार है, और वो खाने के लिए मेरी बेटी ने जो टूट गया था उसने बनाया था, ये देखिए। और ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ कैसे लगा। ये देखिए एकदम यम्मी, बहुत ही टेस्टी। बाहर के तो हम एक या दो ही खा पाते हैं, उससे भी हमारा पेट ख़राब हो जाता है, लेकिन घर के तो हम 3-4 खा सकते हैं और उससे कुछ भी नहीं होगा हमें। ये देखिए, और प्लीज़ इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी या बालकों गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।